आरएसपुरा सेक्टर में जवानों ने दिवाली मनाई। इस दौरान कई बड़े दिग्गज सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहे। इस दौरान ऑपरेशन राजीव 1987 के हीरो सूबेदार मेजर बाना सिंह वहां मौजूद रहे। बाना सिंह एक लिविंग लेजेंड हैं और उनका पराक्रम आज भी सैनिकों के लिए एक मिसाल है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कादियाल गांव में हुआ था। बाना सिंह को सेना में मानद कैप्टन की उपाधि मिली हुई है। उन्हें यह सम्मान सन 1987 में उस समय दिया गया जब उन्होंने हाईएस्ट वॉर जोन सियाचिन को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराने के लिए लड़ी गई लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी सूबेदार मेजर बाना सिंह ही गणतंत्र दिवस पर परेड का नेतृत्व करने और राष्ट्रपति को सबसे पहले सलामी देने का अधिकार मिला हुआ है। साल 1987 में पाकिस्तान के साथ लड़ी गई लड़ाई में बाना सिंह ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर दिया था। लड़ाई में जिस चतुराई और पराक्रम का उन्होंने परिचय दिया उसके लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं कि बाना सिंह आखिर दिवाली के मौके पर क्या कह रहे हैं। इस समय मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में और यहाँ पर दीपावली का महापर्व मनाया जा रहा है और हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं लिविंग लेजेंड परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह जी। बाना सिंह जी, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम भी आज इस पूर्व के ऊपर जो BSF ने प्रोग्राम किया है वो के आले दर्जे का है और दिवाली का कुछ हिस्सा पहले और कुछ 2 दिन के बाद मनाया जाएगा, जैसे युवाओं के मनोरंजन के लिए और देश के लिए एक दुआएं की गई हैं कि हमारे देश में अच्छे दिन आए और अच्छे से अपने प्रोग्रेस कर सकें और देश को हम बचा सकें। समूचे देश को क्या संदेश देंगे आज आप? जैसे आज खुशी से हम सब नाच कूद रहे हैं, ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़े और इसी खुशी में ही लिप्त रहे, तभी हमारा जीवन है एक अच्छा। बहुत बहुत बधाई आपको दीपावली। तो ये थे लिविंग लेजेंड बाना सिंह जी और साफ तौर पर उन्होंने समूचे देश को जो है दीपावली की जो है शुभकामनाएं दी और साथ ही में जो यहां पर BSF के जवान तैनात हैं उनके जोश और जज्बे को भी सलाम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा।